गाइस आज का फाइनल राउंड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिकैप देना चाहता हूँ कि जब हमने इस टूर्नामेंट को स्टार्ट किया था तो उसके पहले राउंड में आए थे टोटल 8 सुपरस्टार्स। पहला राउंड खत्म होते ही इन 8 में से बचे सिर्फ 4 सुपरस्टार्स। फिर हुआ सेकंड राउंड और सेकंड राउंड के खत्म होने के बाद 4 में से बचे सिर्फ 2 सुपरस्टार्स। और अब इन 2 सुपरस्टार्स में होने जा रहा है हमारा टूर्नामेंट का फाइनल राउंड। आज होगी भाई भाई में लड़ाई। इतना हाइप में क्यों कर रहा हूँ ये लड़ाई? ये फाइट तो पहले भी हो चुकी है। तो गाइस जैसा कि आप लोग हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है वे इजी एवरेज हार्ड वेरी हार्ड। तो गाइस जी हाँ आज का मैच होने वाला है वेरी हार्ड। तो गाइस अब बिना किसी देरी के हमारा नंबर वन कंटेंडर चैंपियनशिप मैच फाइनल राउंड ऑफ द टूर्नामेंट शुरू करते हैं। तो गाइस आज के हमारे स्पेशल गेस्ट रेफरी हैं रोमन रेंज जो कि अपने दोनों टाइटल्स के साथ में यहां पर खड़े हैं और यहां पर हमारे कैन भी पधार चुके हैं। तुम लोग को तो पता है मैं ऑब्वियसली कैन को लेकर नहीं अंडरटेकर को लेकर खेल रहा हूं और इसीलिए मैंने वेरी हार्ड पर इसको किया है क्योंकि मैं इतना हार्ड खेल नहीं पाता। तो गाइस आज का कोई भी गारंटी नहीं है कि अंडरटेकर ही जीतेगा क्योंकि गाइस हमने पिछले इस राउंड में जितनी भी बार देखा है कैन जितना भी बार आया उसने बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया है। अंडरटेकर ने उतना कुछ भी डोमिनेट नहीं किया है। वो भले ही सारे मैच जीतता आया है पर उसने इतना डोमिनेट नहीं किया है। वो मारता भी था मार खाता भी था एंड में आके वो जैसे तैसे जीत जाता था टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर मार के क्योंकि गाइस टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर बहुत ही खतरनाक मूव है। इसको खाते ही कोई भी बंदा किकआउट कर ही नहीं पाता वो हार मानी जाता है। तो गाइस देखते हैं आज कैन इसको खाकर हार मानता है कि नहीं क्योंकि मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं स्टार्टिंग से ही कैन पर डोमिनेट करूं और उसको हरा दूं। तो गाइस हमारा अंडरटेकर इस सीढ़ी पर चढ़ गया है। अरे क्या सीढ़ी पर चढ़ के हम लोग रिंग में नहीं जा सकते क्या? क्या फ़ायदा यार इसको लगा के फिर इधर लेके। ओ एज आई एम श्योर यू ऑल ओवर आई एम द रेनिंग WWE यूनिवर्सल चैंपियन हियर but unfortunately the competition is so pathetic that I मैं पढ़ेगा ही नहीं मैं कुछ भी नहीं पढ़ेगा। हाँ वही बोल रहा होगा रोमन रेंस तुम दोनों में से जो जीतेगा उसको मेरी चैंपियनशिप का मैच मिलेगा। ओ भाई अब हम अंडरटेकर बन के अरे यार स्टार्टिंग में पटक दिया भाई लॉक दे दिया। अबे रॉप पकड़ रॉप यार ये तो रॉप ब्रेक होना चाहिए। गाइस मैं रॉप के इतने पास बैठा हूँ सॉरी लेटा हूँ। अबे रोमन रेंस तेरे को दिखता नहीं है क्या अंधे? शायद ये रॉप ब्रेक होगा ही नहीं थोड़ी और कोशिश करते हैं उसके बाद शायद से रॉप टच हो जाए। हो गया यार अभी भी नहीं हुआ क्या? मैं रोमन रेंस को उठा के मारूंगा अभी। अबे देखना हो गया गाइस फाइनली रॉप ब्रेक हो गया। अबे काहे का रॉप ब्रेक यार इधर पे कैन का फिनिशर आ गया भाई ऐसा तो नहीं एक मिनट के अंदर ही मैच खत्म हो जाएगा? नहीं ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। फाइनली हम लोग दूर भाग गए यार कैन तो कुछ ज्यादा ही डोमिनेट कर रहा है यार मेरे को। अरे भाई अच्छा अंदर फेंकेगा। अरे यार कोई बात नहीं गाइस ये मेरा पहला मूव उठ जाए यस एक बार मेरे हाथ में सब कुछ आ जाए मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अरे यार ये कैन मुझे लग रहा है मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है आज कैन जीतेगा नहीं जीतेगा। एक सेकंड 4 काउंट हो चुका है यार मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं कैन को बाहर ही मार मार के उसका 10 काउंट करवा दूँ पर नहीं यार ऐसे में मज़ा नहीं आएगा। जो मज़ा उसको रेफरी में पिन करके हराने में आएगा ना वो ऐसे मज़ा नहीं आएगा। अभी भी हमारे काबू में मैच थोड़ा चल रहा है ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वन साइड मैच चल रहा है। देखा गाइस आज कैन नहीं बचेगा बे तू अगर तू भी कैन है तो मैं भी अंडरटेकर हूँ। गाइस अब अंडरटेकर ने अपने चॉक स्लैम के लिए अपना हाथ उठा दिया है अब इसको पड़ेगा चॉक स्लैम नहीं पड़ेगा कोई बात नहीं गाइस भाई जल्दी से अपने को इसको चॉक स्लैम लगाना पड़ेगा नहीं तो ये बहुत भारी पड़ेगा। अबे यार ये अंडरटेकर इतना हाथ पे इतना स्लो क्यों चला रहा है? हाँ चल रहा है। ओ फाइनली गिर गया। अब दे भाई चॉक स्लैम गाइस हमारे इस मैच का पहला चॉक स्लैम। गाइस एक चॉक स्लैम में तो इसका कुछ होगा नहीं अब मैं तो बोलता हूँ और 2-4 चॉक स्लैम। अबे यार इसको सुप्लेक्स देने जा रहा था इसी ने मेरे को दे दिया। गाइस आज का मैच काफी अच्छा चल रहा है। ओके ओ अबे यार ये वेरी हार्ड मैच इतना जब खतरनाक है तो तुम लोग को पता है इसकी वेरी हार्ड के भी ऊपर एक डिफिकल्टी मोड आता है जो कि ये एक्सट्रीमली हार्ड। गाइस एक्सट्रीमली हार्ड पे मैं कैसे चलता हूँ? गाइस ये स्पीयर था यार कुछ और था। तो जी हाँ गाइस इस राउंड में जो भी हमारा विजेता बनेगा और जब वो अगले राउंड में रोमन रेंस के साथ मैच लड़ेगा उस राउंड में मैं एक्सट्रीमली हार्ड वाला मोड
चूज करूंगा, क्योंकि गाइस वो फाइनल से भी ऊपर होगा, मतलब वो टाइटल वाला मैच होगा, तो गाइस उसके लिए तो एक्सट्रीमली हार्ड बनता है। अरे बस करना, टांग तोड़ देगा क्या मेरी? ओके, और ये पहला बैक सुप्लेक्स। भाई अब मुझे लग रहा है ये स्टील पोस्ट के ऊपर चढ़ना चाहिए, ये चॉक स्लैम पहले इसको मार देता हूँ। हाँ अब इसके ऊपर चढ़ना चाहिए और इसके ऊपर एक जंप लगाना चाहिए। ओके यस, मजा आया बच्चू। चल अबे क्या पटका यार इसने मेरे को, जर्मन सुप्लेक्स दिया वो भी रिंग के बाहर फेंक के। बदला लिया जाएगा, लिया जाएगा। ओ बदला पूरा हुआ गाइस, उसने मेरे को रिंग के बाहर फेंका था, मैंने तो उसको बैरिकेड के बाहर फेंक दिया, सीधा ऑडियंस में फेंक दिया। ओके ऑडियंस में एक चॉक स्लैम भी दे दिया उसको, पर गाइस यहाँ पे ऑडियंस में जाके ऑडियंस को डिस्टर्ब मत करो, हम लोग रिंग के अंदर जाते, रिंग के अंदर मस्त मैच दिखता है। हाँ ऑडियंस को भी फुल इंजॉयमेंट करने दो। ओके और ये एक, नहीं नहीं यार ये वाला मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसमें मजा नहीं आया यार। ओके गाइस कैन का फाइनली 5 हो गया है, मेरा तो इधर पे 1 ही है, सॉरी गाइस 6 हो गया है। और गाइस बैक टू बैक सुप्लेक्स, अरे सॉरी बैक टू बैक चॉक स्लैम। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। गाइस मजा आ गया यार, 7 हो गया। गाइस क्या बोलते हो, मैं कैन को ऐसे ही हरा दूं यहाँ पे 10 काउंट करवा के? थोड़े जाने दो गाइस, मैं अंदर चले गया, 8 हो गया। अबे अभी भी कैन चक्कर खा रहा है गाइस, खत्म। नाइन, अबे यार नाइन मजा नहीं आएगा, कैन जल्दी आ उसके काउंट करने से पहले। गाइस फाइनली वो आ गया, हमारा फिनिशर भी आने वाला है। और ये अबे यार ये रोमरेंस कहाँ से भी, अरे यार इसको पटक दिया मेरे को यार रोमरेंस नशेड़ी रेफरी यार, ऐसे नशे करने वाले लोग को रेफरी मत बनाओ मेरा। अबे नहीं 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 रिवर्सल रिवर्स, भाई एक सेकंड के लिए तो मेरी सांसें थम गई, मुझे लगा मैं आउट हो गया। और ये पड़ा चॉक स्लैम, पर क्या फायदा, उत्ते पे ही मैं आया, मेरा फिनिशर तो अभी तक आया ही नहीं। गाइस एक और चॉक स्लैम फिर मैच खत्म, सर पटक के मारा और एक एक क्लोथ लाइन। ओके फाइनली हमारा टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर आ गया, यस ओके लेट्स गो गाइस। ओ टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर कवर, 1 2, ये क्या है भाई, इसने किक आउट कर दिया। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, चल भाई चॉक स्लैम ले, चल चल भाई चल भाई। अरे यार ये तो एक से भी, भाई कैन क्या चीज है यार, ये क्या चीज है भाई, आदमी है कि क्या ये यार, इसने टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर पे किक आउट किया है, आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने इस पे किक आउट किया हो। मैं हार चुका हूँ यार, इसको मार मार के मैं हार चुका हूँ। वैसे गाइस अभी हम लोग बहुत ही अच्छी कंडीशन में, कैन बहुत ही बुरी कंडीशन में, पर हार नहीं मान रहा है यार, ऐसा कैसे चलेगा। कैन को लगता है किसी भी हालत में ये मैच जीतना है, पर हम उसको जीतने नहीं देंगे। गाइस हम फाइनली, हमने एक लॉक लग लिया। ओ गाइस कैन यहाँ पर हार मान चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन दी अंडरटेकर, यू वे अर्न्ड अ शॉट ऑफ माई WWE, बट यू शुड बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, बिकॉज आई विल टर्न योर ड्रीम इनटू अ नाइटमेयर। अच्छा बच्चू, तो गाइस हमारा आखिरी राउंड जो कि हमारे टूर्नामेंट का सबसे लास्ट पॉट बचा हुआ था, उसमें वो अब भर चुका है। अब हमारा टूर्नामेंट का सबसे लास्ट मैच बाकी है, जो कि होगा रोमन रेंस वर्सेस दी अंडरटेकर WWE चैंपियनशिप एंड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप टाइटल विनर टेक ऑल मैच। तो गाइस कितना लाइक एम रखा जाए, 350 लाइक्स। तो गाइस 350 लाइक्स यानी कि 350 लाइक्स कर दो जल्दी से इस वीडियो पे, क्योंकि अगला मैच बहुत ही जल्दी आने वाला है, जल्दी कर दो, क्या पता कंप्लीट होने से पहले ही आ जाए।